Jada Ulunding, Jada Ulunding. उपस्थित हुए हैं। ये स्थान का नाम है कोलद्वीप। कोल मतलब होता है श्री वराह देव। कहते भगवान का जो धाम है ये नित्य है, ये नित्य धाम है। यहीं पर सत्य युग में एक वासुदेव नाम का कोई एक विप्रत है, इन्होंने यहीं पर सत्य युग में श्री कोल मतलब श्री वराह देव का यहीं पर उन्होंने उपासना की। और उसी समय में ही श्री वराहदेव ने स्वयं श्री वासुदेव विप्र को बताया था, बोले देखो कलयुग में मैं यहीं पर श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके मैं यहीं पर जन्म ग्रहण करूंगा, और जन्म ग्रहण करते हुए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपना कृष्ण प्रेम में विश्व ब्रह्मांड को मैं बहाऊंगा, और विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम में डुबाते हुए केवल भारत नहीं बोले पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार है वे मर नाम, सुखी है या लोक मेरे गाय वे फिरती, सबाई प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सत्य युग में ही उनको ऑलरेडी बोल चुके थे, क्योंकि भगवान का लीला नित्य, उनका धाम भी नित्य है। कहते यहाँ पर आने पर कहते कोल दिव्य है, जैसे यहाँ पर आने पर हमारे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, एक हाथ में लड्डू नहीं दो हाथ में लड्डू। मतलब क्या है, अगर कोई वृंदावन धाम का परिक्रमा करे केवल उनको वृंदावन धाम परिक्रमा करने का फल मिलेगा, लेकिन अगर कोई नवद्वीप धाम का परिक्रमा करे कहते उनको एक साथ में वृंदावन धाम का परिक्रमा तो अपने आप मिल जाएगा, और श्री नवद्वीप धाम का परिक्रमा का फल भी उनको यहीं पर प्राप्ति होगी। कहते ये स्थान कौन सा स्थान है, बोले यहाँ पर श्री राधा कुंड श्याम कुंड है, यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन है, यहाँ पर रास मंडल यहाँ पर है, यहीं पर जैसे वृंदावन में कृष्ण जैसे बासंती रास किया था, इसलिए यहाँ पर ये बासंती लीला स्थल भी यहीं पर है, हैं? और यहाँ आने पर जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये कौन है, वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन कलयुग में वो राधा भाव दुति सुबलितम नवमी
कृष्ण स्वरूपम। कलयुग में हुए राधा जी की अंगकांति और भाव को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, जैसे महाप्रभु के अंदर में सब कुछ हुए, तो उसी तरह यहाँ पर आने पर क्या फल मिलेगा? बोले यहाँ पर त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती जो त्रिवेणी, यहाँ पर त्रिवेणी और यहाँ पर पंचवेणी है। यहाँ पर है, यहाँ पर आने पर आपको गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करना, अलकानंद और अलकानंद और क्या है भागीरथी कहती है, पंच नदी में स्नान करने का यहाँ पर आने पर अपनी आप को यहाँ प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर सप्त समुद्र है, सात जो समुद्र है यहाँ पर सप्त समुद्र है। इसलिए अगर नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा कर लिया तो ये समझो विश्व ब्रह्मांड में कोई तीर्थ बाकी नहीं रह गया जो परिक्रमा लगाने का। लोग चाहते हैं हम कहाँ जाएंगे, बोले कहेंगे सारे तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार। सारा दुनिया चाहते हम अलग अलग तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ आने पर आपको सारे तीर्थ परिक्रमा करने की यहीं पर फल प्राप्त हो जाती है। इसलिए अभी अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, रास्ता में आते हुए हम लोग ने श्री जोग माया को दर्शन किया है। कहते ये जोग माया की अभी महाराज बता रहे थे ना, कहते उमार सत्या सची चंद्र रुक्मिणी राधा अवतार सबे आप नायवाणी। श्री राधा रानी ही विभिन्न रूप में प्रकाशित होकर के भगवान की लीला को ये मदद करती हैं। इसलिए कहते ये एक स्वरूप में जोगमाया बन करके, जोगमाया मतलब जब कोई जीव भगवत भक्ति के लिए उन्मुख होती है उसको क्या करते हैं, ये जोगमाया ही भगवान को साथ में जीव को जोड़ देती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान से विमुख होकर के संसार चाहते हैं, इसलिए हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज आप लोग मथुरा मठ में देखे होंगे, एक सुंदर उन्होंने चित्र बनाए। एक तरफ में दिखाया माया की माया की संसार है, जहाँ पर घोर अंधकार है, भूत पिशाच डाकिन साकिन उधर हिंस जंतु खड़े हुए, लेकिन उस तरफ में एक सुंदरी लड़की माया खड़ी हुई। दूसरे तरफ में दिखाया प्रकाश प्रकाश है और वहां पर एक साधु खड़ा हुआ और सीधा जो रोड गया गोलोक वृंदावन में, और इस तरफ में एक माया खड़ी, इधर माया जीव को बुला रही है और उधर बुला रही है। वो लड़की मिस यूनिवर्स से भी सुंदर थी, महाराज कहते हैं वो भी मिस यूनिवर्स से भी ज्यादा सुंदर थी वो लड़की। इसलिए दूसरे तरफ में साधु खड़े होकर बुला रहे हैं, वो कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, लेकिन छलांग कहां लगाता है, वो देखता ही है, वो देखता है संसार में सबके सब दुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं, सबके सब देखते हैं, लेकिन तब भी है कोई हमारे कोई मंदिर में अगर कोई ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं ना, लेकिन उनका परिवार लोग चाहते हैं किसी तरह से उसको खींच करके ले आए और उसको शादी करा दे। हमारे गुरु जी कहते थे भैया क्यों इतना शादी कराने के लिए बच्चों को इतना उतावला क्यों हो रहे हैं, बोले जिंदगी भर हमने ये संसार में कष्ट उठाया, जिंदगी भर संसार के डंडा पड़े हमारे ऊपर में, और तू कैसे संसार से मुक्त होकर भजन करके शांति सुख कैसे पाओगे, आओ इसके अंदर में तू भी डंडा था। इसलिए लेकिन ये जो जीव है वो माया में ही छलांग लगाती है, वो साधु तरफ में नहीं जाती है। बोले कारण क्या, बोले कारण है जो माया शक्ति है वो जीव शक्ति से ज्यादा है, इसलिए माया आसानी से ही जीव को दबज लेती है और दबज करके संसार का दुख कष्ट को ये जीव भोग करती है संसार में। और ये माया की तो अद्भुत आश्चर्य चीज है, किस चीज में हम आसक्ति होते हैं, बोले ये शरीर में, ये शरीर में, लेकिन ये शरीर किस चीज में शरीर बने हुए, बोले टाटी पेशाब खून पीक माल मूत्र और कुछ है ही नहीं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं खीती जल पा बक गगना समीरा पंच रचिता इह आधा मा शरीर।
ममस्त बुद्ध कर देती है, बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदरी है। इसलिए पिछली बार मैंने स्वामी महाराज का कथा सुनाया था, कोई एक राजकुमारी भजन करने के लिए आई वृंदावन में, अभी एक राजकुमार देख करके आसक्ति हो गया, अरे बड़ी सुंदरी है, हैं? अभी उसको शादी करने के लिए, क्या मेरे से शादी कर ले, बोले मैं तो भजन करने के लिए आई हूँ, मैं शादी नहीं करूँ। बोले कैसे नहीं करोगे, मैं राजा राजपुत्र, मेरे आदेश से पालन करना पड़ेगा। बोले ठीक है। उसने अपना गुरुजी को पास में आए, गुरुजी ने कहा तो उसको बोल ना दो दिन बाद में आए, और तुम ऐसे मेडिसिन निकालो जिसमें तुम्हें टाटी पेशाब के बल होते रहे, और उसको एक गामला में भर देना, भर कर उसको ढक कर रख लेना। और अभी दो दिन बाद में, बोले दो दिन इसका टाइम ही, तो जब दो दिन बाद में आया, दो दिन में इतने टाटी पेशाब हुई, पूरा उसको सिर आंख रसगुल्ला जैसे निकल कर आ गया, और मुंह एकदम अंदर में घुस गई, और एकदम जैसे भुतनी जैसे लग रही थी, पेतनी जैसे लग रही थी। वो आ करके उसको पहचान नहीं पा रहा है, बोले वो राजकुमारी कहाँ है, दो दिन पहले जिसको देखा था, बोले कहाँ है, आओ तेरे को दिखाता हूँ, जिसमें टाटी पेशाब खून जिसमें था, इतने में इस कपड़ा को उसने खोल करके, बोले ये वहां इतनी बदबू मार रहा था, खड़ा भी नहीं हो सकते, बोले ये क्या है, बोले देखो मैं पहले इतना सुंदर इसलिए लग रही थी, मेरे शरीर में ये टाटी पेशाब खून पीक था, अभी वो निकल गया ना, जिसमें बदबू मारता है, तो इसी शरीर में आसक्त था, इसी शरीर में ही आसक्ति था, इसलिए ये उसको भी संसार से बैराग्य हो गया। इसलिए माया की एक अद्भुत शक्ति है, ये झूठा शरीर में भी अपना ममत्व को बना देती है। लेकिन यही जीव जब माया उसको संसार में डंडा मारती है, डंडा मारने पर ठंडा होकर के, फिर यही जीव जब गुरु वैष्णव की अनुगत्य में श्री जोग माया की शरण में जाती है, यही जोग माया फिर जीव को साथ में, भगवान को साथ में जोड़ करके उसको गोलोक वृंदावन राधा कृष्ण की सेवा में उनको नियुक्त करा देती है। यही जोग माया ही कृष्ण लीला में मदद करती है। इसलिए बोले भावा वैसे प्रभुर नाही देहानुसंधान, इच्छा जानी जोग माया करे समाधान। गत भगवान कृष्ण व महाप्रभु वो लीला की आवेश में रहते ही ये जोग माया क्या करती है, उनको जो भगवता को संपूर्ण भुला देती है, संपूर्ण उनको भुला देती है। भुला करके अगर कृष्ण मिट्टी खाए, मक्खन खाए, मैया पुष्टि लाला तेने मक्खन खाई, बोले मैया मैंने मक्खन नहीं खाई, बोले सखा लोग जो बोलते हैं तुमने मिट्टी खाई, बोले सब झूठ बोल रहे हैं। इसलिए भगवान को भुला देती है वो परात्पर तत्व, क्यों? अगर ये जोग माया अगर उनको भगवता को नहीं भुलाएगी तो उनकी ये मधुर लीला असंभव है, इनकी मधुर लीला। इसलिए सारे लीलाओं को यही पुष्टि करती है ये जोग माया है। आप लोग ने आते समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का अपने समाधि मंदिर देखा, देखो अभी बंगला ही बोलूंगा, अभी हिंदी बोलती हूँ, अभी इनकी आप लोगों को जरूरत नहीं, बंगाली लोगों का जरूरत है। देखो ना हमारा आसार समय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रे समाधि मंदिर हमारा दर्शन कर ला, ये जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज अनेक सुंदर सुंदर उपदेश आछे, एनार प्रथम उपदेश हलो किछु तथा कथित लोक आछे जरा की बोले निताई गौर राधे श्याम और हरे कृष्ण हरे राम, केव केव की बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, किछु किछु लोक एरकम बोले, बोले ए सब नाम करवे, बोले भैया तुम ये सब कुछ के पहले, बोले हमारे जो गुरुदेव ना वो स्वप्न पिए छे, हमारे गुरुदेव ते स्वप्न पिए छे नाम, बोले तुम्हारे गुरु जब स्वप्न पिए था के हमारे गुरुदेव ता स्वप्न पिलो और एक गुरुदेव स्वप्न पिलो, शास्त्र जे आछे हमारे कलयुग रे धर्म होते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो कलयुग युग धर्म जी हरिनाम संकीर्तन जाके बोलचे गौर जे लॉयल नाम सही नाम लाओ आर जो तो छोड़ा नाम दूर देखे दाओ, ये महाप्रभु शिक्षा लो श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जे नाम के तिमी ग्रहण कर छे कोई नाम ताकि करते हवे हैं आर जो तो छोड़ा नाम परवर्ती समय आर जो तो नाम बेरिये छे की करो उगला दूर रेखे दाओ उगला के दूर रेखे दिवे कोई नाम करवे ना केना वो नावर मध्ये महाप्रभु तिनी हरिदास ठाकुर के तिनी नामाचार्य रूपे तिनी उपाधि ते विभूषण कर छे जिनी होले ने ब्रह्मार अवतार प्रह्लाद अवतार नामाचार्य माने नामेर तिनी होले ने आचार्य कलयुग यदि भगवत प्राप्त करता है तब सिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर के फॉलो करता है कि तिनी की नाम लिए छे
तिनी कौन नाम लिए छे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम ए नाम लिए छे निताई गौर राधेश्याम हरे कृष्ण हरे नाम लिए छे नुनी उने लिए छे हरे कृष्ण महामंत्र के तिनी जप कर छे हैं अते आमा तेरे के ए तथागत लोकरा जे नूतन नूतन नाम बेर कर छे तिनी बोलते खबरदार कोई नाम गुलो कखनो करबे ना द्वितीय उनरे सिख्या होलो আবার কিছু কিছু লোক কি বলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্য জপ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ কেউ কেউ কি বলে ওরা কি করে এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কে জোর করে করে না ওরা কি করে মনে মনে করে হ্যাঁ জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ জপ করবে ওইটা কীর্তন করবে না আবার কি এরকম ভাই বলে হ্যাঁ এটা কীর্তন করা অপরাধ বলে না हरिदास ठाकुर तिनि तीन तीन लाख हरिनाम करते हरिदास ठाकुर जी तीन तीन लाख हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करते थे किसी समय उनको एक लाख हरिनाम तो उच्च स्वर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक लाख हरिनाम तो तिनि जोर कर करते एक लाख हरिनाम करते जाते निजे सुनते पा रहे और एक लाख हरिनाम करते थे जब केवल अपने मन मन में करते थे एक समय उनको किसी ने पूछा भैया हमने सुना भजन मन मन में करनी चाहिए तुम तो जोर जोर से क्या सबको सुना सुना कर उपकार करे उच्च संकीर्तन करने से दूसरों का भी कल्याण होता है लता पता पेड़ पौधा वो प्रभु नाम जप नहीं कर सकते हैं लेकिन उनको कान में जो हरिनाम पड़े उनका भी उद्धार होता है तो उन्होंने पुराने से एक श्लोक को उद्धृत किया है बोले जप तो हरिनामा निस्थाने सत्तो गुणाधिको कहते मन मन में हरिनाम करने से जो फल मिलेगा अगर उच्च स्वर से हरिनाम करेगा तो 100 गुण ज्यादा उसको नाम करने का फल मिलेगा इसलिए भागवत में देखो वहां पर क्या बताए भागवत में बताए कल और दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य यहाँ पर आते कीर्तन करने के लिए वहां पर आता है कृते जत धायत विष्णु तृतया जजत मुखई द्वापरे परिचर्याम कलौ तत हरि कीर्तनात् वो हरि कीर्तन के लिए बताया महाप्रभु स्वयं कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम रूप गोस्वामी महाप्रभु का अष्टक में लिखते हैं क्या कहते हैं हरे कृष्ण इति उच्चै रसना नाम गणना महाप्रभु ये हरिनाम संकीर्तन को उच्च स्वर में करते थे जोर जोर से ये हरिनाम संकीर्तन करते थे इसलिए हमें बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांग पांग अस्त्र पार्षदम जगई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस इसलिए कलियुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे कलियुग में यज्ञ कौन सा यज्ञ है बोले जगई संकीर्तन प्राय राधा रानी होले ने कृष्ण तिनी शक्ति बलदेव प्रभु तिनी की होले तिनी होले जी बलदेव प्रभु तिनी भासु होले ता सके छोटो भाई शक्ति की कर था के एजने एटा नाम अपराध बोला होय छे नाम अपराध आर के तो हमादर की बोले बलिए लाल कपड़ कुदाते गेलो हमादर जे गोस्वामी रहतो तो साधा कपड़ छिलो पर लाल कपड़ कुदाते के नी एले हैं ये लाल कपड़ कुदाते गेलो ये प्रभुपाद कुदाते के लाल कपड़ नी एले हैं अते তাদের বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন আছে কিন্তু মহাপ্রভু সময়ে তাদের 9 জন সন্ন্যাসী ছিল যাদের কাপড় ছিল স্বয়ং গৌরীর বস্ত্র মহাপ্রভুর কাপড় কিরকম ছিল মহাপ্রভুর বস্ত্র কোন রঙের কথা
ये गौड़ी के वस्त्र था। रामानुज मध्य विष्णु स्वामी निम्बार्क हम लोग को कटाक्ष से कैसे किया है, उन लोगों ने बहुत बड़ा के मीटिंग किया जैसे इनका विरोध करने के लिए, लेकिन किसका हिम्मत नहीं हुई महाराज के सामने आकर कुछ बोल पाए। इसलिए महाराज बताए परंपरा दो है, एक है भागवत परंपरा और एक शिष्य परंपरा। ये चीज को समझ लो, एक है भागवत परंपरा, एक होता है शिष्य परंपरा। प्रभुपाद ने देखा ये शिष्य परंपरा में बहुत दोष है। जैसे हमारी जैसे गुरुजी के हमने शिष्य है, गुरुजी से हमने हरिनाम मंत्र लिया, लेकिन गुरुजी का कोई आदर्श ही फॉलो नहीं करते, हरिनाम नहीं करते, उनका कोई आदर्श फॉलो नहीं करते। इसलिए कानों में मंत्र लेने से कोई शिष्य नहीं होते हैं जब तक गुरुजी के आदर्श को हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये भागवत परंपरा में क्या होता है, जहां पर उन्होंने उनके आदर्श को, उनका भजन पद्धति को जहां पर स्वीकार करते हैं, इसलिए शिष्य परंपरा में